खरीद ली थी और अभी भी अपने काफी सारे भाई लोग ये बताओ कि X7 लगती कैसे है? नंबर दे दिया तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ब्लू मेड चैनल की एक और नई वीडियो में। वैसे आज का टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं जा कर रहा हूँ। वेल, अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आई एम गोइंग फॉर अनमोल भैया, अनमोल जायसवाल, जिन आप जानते होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ऑफकोर्स। एंड उनका AJ गेमिंग नाम से भी चैनल है, इंडियन बैकपैकर नाम से भी चैनल है। एंड ये ऑल्सो हैज अ कार रिव्यू चैनल जिसका नाम है अनमोल गैराज, जो कि उन्होंने रिसेंटली शुरू करा था, जिस पर वो यूज कार रिव्यूज वगैरह डालते हैं। तो आज बेसिकली वो ले रहे अपनी BMW X7 की डिलीवरी। काफ़ी महीनों पहले उन्होंने बुक करवाई थी, यानी कि 3-4 महीने हो गए बुक करवाए हुए। एंड अब जाके फाइनली वो ले रहे हैं फ्रॉम BMW कृष्णा ऑटोमोबाइल्स इन चंडीगढ़, जो कि Phase 1 इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। तो उन्होंने कल ही अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस करा था एंड एक वीडियो के थ्रू अनाउंस करा था कि मैं डिलीवरी कल ले रहा हूँ, यानी कि 1st of July को। एंड अगर कोई आना चाहता है मीटअप के लिए तो वो आ सकते हैं फ्रॉम 12 to 2 के बीच में। मैं 2 घंटे वहाँ पर रहने वाला हूँ एंड अभी 1:30 हो रहा है टाइम। आई नो आई एम अ लॉट लेट, बट वो भी वहाँ पर लेट पहुँचे थे ड्यू टू सम वर्क। उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ही स्टोरी डाली है कि मैं थोड़ा लेट पहुँचूंगा, तो वो आई गेस 12:45 तक पहुँच गए होंगे वहाँ पर। सो लेट्स होप आई गेट टू मीट हिम। बाकी मैं उनकी गाड़ी भी दिखाऊंगा आपको एंड उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टू गेट हिम ऑन माय कैमरा। बाकी आगे तक देखते रहिए व्लॉग को, पता चल जाएगा आपको क्या होता है क्या नहीं। सो गाइज, अभी मैं डीलरशिप पे पहुंच चुका हूं एंड ट्रैफिक के कारण मैं बहुत ही लेट हो गया था, बट आई गेस द सेरेमनी इज स्टिल गोइंग ऑन इनसाइड। लेट्स गो एंड फाइंड आउट इफ ही इज स्टिल देयर। यस, ही इज स्टिल देयर। चलो जी, BMW की डिलीवरी अपनी हो चुकी है, काफी लोग जा भी चुके हैं, बट 500+ लोग यहाँ पे आए जो उम्मीद नहीं थी, पर अभी भी अपने काफी सारे भाई लोग यहाँ पे। थैंक यू सो मच आने के लिए सभी को। भाई मैं अभी पहुंच गया हूं, ले लो यार, ले लो कोई बात नहीं। सो गाइज, ये है अनमोल भैया की कार जो कि रहती है X Drive 40i, यानी कि पेट्रोल इंजन में है ये X7 एंड इसकी जो पावर है दैट इज 335 BHP एट 450 Nm ऑफ टॉर्क एंड ये ऑफर करी जाती है विद 8-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम सी लुक है इस कलर में, काफ़ी ऑसम सी लुक आ रही है इस व्हीकल की। एंड आप इसके टायर्स भी देख सकते हैं कितने बड़े हैं। एंड अगर मैं इसकी प्रोफाइल बताऊँ आपको, सो लेट मी फाइंड एंड टेल यू गाइज। तो इसकी प्रोफाइल जो रहती है वो आप देख सकते हैं 285/45R20। तो 21 इंच के अलॉयज इस व्हीकल में आपको देखने को मिलते हैं। एंड ये कुछ रहता है इस व्हीकल का इंटीरियर, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक एंड लाइट ब्राउन सा, इसमें आपको कॉफ़ी ब्राउन सा इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ऑसम है। ओवरऑल बहुत ही मस्त लग रही है इस टाइम ये कार। हाँ, बाहर निकलेंगे पूरा। One eternity later. पुतले बन जाएंगे हम इतने में तो। चले चलो जी, चलो आप अभी आए हो, चलो फोटो ले लेंगे ठीक है जी। यार बहुत मज़ा आ गया, जो खुशी थी ना X7 की वो तो चलो अलग ही है, बट भाई लोगों के साथ सबके साथ मिलके मज़ा सा आ गया। लगता है डिलीवरी एक्सपीरियंस
डबल नेक्स्ट लेवल ऊपर हो गया। तो अब ये फैमिली के साथ हो गया, अब अपनी एक्चुअल फैमिली के साथ जरा सेलिब्रेट कर लिया जाए, फिर गुड़गांव निकलना है भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने सोचा 2 बजे निकल जाएंगे, पर 2:15 ऑलरेडी बच गए क्योंकि हम ही लेट थे सुबह से। तो इसलिए अब 3:30 या फिर 2:30 बजे तक जब भी टाइम मिलेगा कटना है, और फिर पूजा वूजा करवाते हैं घर चल के मम्मी पापा को दिखाते हैं। ठीक है जी भाई लोग, थैंक यू सो मच। जो पास थे दूर से नंबर तो मैंने बोला हुआ 0007 चाहिए। नहीं आपका बर्थडे का बर्थडे 17 सितंबर है, 0017 ले लो। नहीं नहीं वो 0007 नंबर दे दिया तो फिर तो हम परेशान हो जाएंगे। कोई नहीं पहले हुआ था, अब ठीक नंबर चंडीगढ़ का ही ले रहे हो फिर? हाँ चंडीगढ़ ही मिलेगा, यहाँ से गाड़ी लिया ना, इनकी पॉलिसी है। चलो जी ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा सो, थैंक यू, बाय भैया। अभी अगली बार करेंगे बड़ा, फिर एक और बार थोड़ा प्रिपेयर करके अच्छे से ना। अरे 250 किलोमीटर हार ले नहीं चाहिए मुझे, मैं अभी अब मैं लुट चुका हूँ पूरा, जो होता हो गया। ओके जी, ओके जी, थार की तरह मैंने थार भी दिखानी थी वीडियो में, मेरा गाड़ियों का थार तो है नहीं लाए थार, तो टियागो लाए काम से, टियागो थी, थार तो वही है गुड़गांव में। अच्छा थार नहीं लाए, वो तो रखे आए थे। हाँ जी ओके बाय जी, थैंक यू सो मच आने के लिए सर। चलो पैक कर देना मुझे तभी दिखेगा, वरना इतने मैसेज में पता नहीं। क्या नाम है? अरे भाई का जन्मदिन है, तो अपने जन्मदिन में भाई हमारी डिलीवरी भी आई, वो तो ये तो अच्छी बात होगी, तुम्हारे बर्थडे पे हमने अपना वो ले लिया है ना, याद रहेगी देर। चलो भाई को विश कर दे, कह रहे इनको इसको गिफ्ट कर दो, अभी तो चला नहीं आती गाड़ी। अच्छा नहीं आती भाई, जाओ भाई। तो अब अनमोल भैया से मिलना हो चुका है, वो जाने के वाले थे शुगर, मैं सही टाइम पे आया हूँ। वो बता रहे हैं कि काफी लोग आए हुए थे, एंड मैं फिर से सही टाइम पे ही आया हूँ, चाहे लेट आया हूँ, बिकॉज अब काफी रश जो था कम हो चुका था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन, एंड वो भी जा रहे हैं बिकॉज ही हैज टू लीव फॉर गुड़गांव। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के, एंड फाइनली मैंने सोचा था मैं लेट हो जाऊँगा बिकॉज रास्ते में ट्रैफिक जाम भी हो गया था, बट फाइनली मैं मिल लिया उनसे। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो या छोटा सा व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अभी बस यहीं तक रखते हैं इस व्लॉग को, क्योंकि मैंने जो दिखाना था वो आपको दिखा दिया कंटेंट। बाकी आई होप आप लोगों को उनकी गाड़ी भी पसंद आई होगी, जो कि BMW X7 इन द 3 लीटर पेट्रोल इंजन रहती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू द लाइक बटन, एज वेल एज शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स, एंड आल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी इस इंटरेस्टिंग वीडियो पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। तो गाइस अभी जो आपने लास्ट क्लिप देखी होगी दैट वाज फ्रॉम द महिंद्रा शोरूम। मैंने कोशिश करी थी कि मैं रिव्यू बना लूं, बट दे सेड नो वीडियोइंग इज अलाउड राइट नाउ, तो वो आपको बाद में ही अलाउ करी जाएगी व्हेन द टेस्ट ड्राइव ऑफ द व्हीकल स्टार्ट। बट मैंने फोटोज तो खींच ली थी, अब आप आगे जाके थोड़ी फोटोज भी देख लेना। बाकी आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिव्यू द व्हीकल टूडे, बट वो तो लेटेस्ट स्टेज पे ही रिव्यू हो पाएगी। सो दिस वॉज द एक्स्ट्रा स्पेशल बिट इन द वीडियो, अगेन मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस वन। वैसे तो मैं ब्लॉग्स बहुत कम ही डालता हूँ, ज़्यादातर कार रिव्यूज़ एंड कार न्यूज़ ही डलती है इस चैनल पर।